नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। आज हम बात करने वाले हैं, रेलवे ने निकाल ली है सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती। तो क्या है इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं। सैलरी क्या रहेगी, योग्यता क्या रहेगी, उसके बाद यहाँ पर आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, संपूर्ण जानकारी आपको जॉब लोकेशन के बारे में जानकारी देंगे, आप नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वो भी जानकारी देंगे, अप्लाई किस प्रकार से कर सकते हैं वो भी आपको जानकारी देंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी YouTube चैनल होने के साथ साथ हमारी एक वेबसाइट भी, जिसका नाम है गौर न्यूज 24, GOUR News 24, ठीक है। गौर न्यूज 24 लिखकर आप जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने पहली वेबसाइट आ जाएगी, इसको ओपन कर लेना है। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको सभी अपडेट मिलते रहेंगे। नवीनतम अपडेट पाने के लिए यहाँ पर आपको फॉलो का बटन दिख जाएगा, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। आप सरकारी नौकरी देख रहे हैं तो सरकारी नौकरी पर क्लिक कीजिए, लेटेस्ट न्यूज देख रहे हैं तो लेटेस्ट न्यूज पर क्लिक कीजिए, प्राइवेट जॉब्स देख रहे हैं तो प्राइवेट जॉब्स पर आप क्लिक कर सकते हैं। सरकारी नौकरी, रेलवे में अवसर पर ऑफिसर के पदों पर निकली भर्ती, आयु सीमा 37 वर्ष, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उत्तर रेलवे ने सीनियर रेजिडेंट के पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे, उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। भर्ती का पद कौन सा है, सीनियर रेजिडेंट का, और इसके आवेदन चालू शुरू होने की तारीख है 14 मई 2024 और खत्म होने की तारीख, मतलब आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, 27 मई 2024। आवेदन निःशुल्क रहेगा, ST SC EWS जनरल OBC सभी उम्मीदवारों के लिए इसमें आवेदन निःशुल्क रहेगा, एक रुपये भी आपसे शुल्क नहीं लिया जाएगा। वेबसाइट पर ऐसी अपडेट पाने के लिए जरूर से फॉलो कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी यहाँ पर आपको दिख जाएगी, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानकारी आपको देते हैं। चिन्हित किए गए पद कौन कौन से हैं दोस्तों, तो सीनियर रेजिडेंट का केवल एक ही पद है, ठीक है। आयु सीमा की बात करें तो ST SC के लिए 18 से 42 साल की आयु सीमा रखी गई है, OBC के लिए 18 से 40 वर्ष रखी गई है, और जनरल और UR के लिए 18 से 37 वर्ष इसमें आयु सीमा रखी गई है। सरकारी नियम के हिसाब से इसमें आपको छूट दी जाएगी, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो संबंधित विशेषता में MCI NVI द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर की डिग्री आपके पास होना चाहिए, मतलब PG की डिग्री आपके पास होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास है होना चाहिए। उम्मीदवार को साक्षात्कार की तिथि से पहले PG डिग्री डिप्लोमा का कार्यकाल पूरा होना चाहिए, मतलब अगर आपने PG रनिंग में है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते। यहाँ पर आप देख सकते सभी विशिष्टताओं में ASR के चयन के लिए यदि किसी विशेषज्ञता में PG योग्यता वाले उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो PG योग्यता के बिना उम्मीदवार, जैसे कि इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी है, अगर आप वो क्वालिफिकेशन के कम, जितने पोस्ट है उससे कम उम्मीदवार आते हैं तो उससे अलग क्वालिफिकेशन वाले उम्मीदवारों को भी इसमें यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लें डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट आपको जो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें जो जरूर डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, जैसे कि आपको वीडियो ऊपर बताया गया उसी प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे। सैलरी की बात करें दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है सैलरी की, तो सैलरी में आपको 11वें लेवल की सैलरी मिलेगी जो कि 67,700 से 2,08,700 रुपये तक यहाँ पर मिलेगी। प्रवेश स्तर पर 7वें CPC के अनुसार संशोधित वेतन स्वीकृत कार्य भत्ते का भुगतान यहाँ पर आपको किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें सिलेक्शन आपका इंटरव्यू के आधार पर होगा, चयन वाक इन इंटरव्यू के आधार पर होगा, दस्तावेजों के सत्यापन के बाद केवल उन्हीं उम्मीदवारों को साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी जो पात्र पाए जाएंगे। साक्षात्कार के समय स्वयं सत्यापित प्रतियों के साथ सभी दस्तावेज मूल दस्तावेज लाने रूप में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं, उम्मीदवारों को विधिवत भरे हुए हस्ताक्षरित आवेदन पत्र, आप बोलेंगे आवेदन पत्र हमें कहाँ मिलेगा वो भी आपको जानकारी दूंगा, बस अभी वीडियो को एंड तक देखिएगा। सभी अपेक्षित दस्तावेज सप्रमाणित प्रतियों के साथ वॉक इन इंटरव्यू की तारीख सुबह 8:30 बजे ऑडिटोरियम पता पहली मंजिल अकाडमी ब्लॉक उत्तर रेलवे सेंट्रल अस्पताल नई दिल्ली में रिपोर्टिंग करना होगा। उन्हें अपने साथ सभी मूल दस्तावेज ले जाने होंगे और सत्यापन के लिए उन्हें प्रस्तुत होना पड़ेगा, ठीक है। ये तो होगी पूरी जानकारी। अब आपको आवेदन कहाँ से मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ से मिलेगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी संपूर्ण जानकारी। उसके बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, डाउनलोड।
ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट इसमें देख सकते हैं। और आप आवेदन फॉर्म की बात करें तो सबसे लास्ट में आपको आवेदन फॉर्म देखने को मिलेगा। ये जैसे कि यहाँ पर आपको तीसरे पेज से आपको आवेदन फॉर्म देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सारी जानकारी भर लेना है, आपको जो जो डिटेल मांगी गई है इसमें, साथ में इसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना है। ठीक है, प्रिंट आउट निकाल कर इसे भर कर आपको ले जाना होगा, और ऑनलाइन आवेदन करते समय इसमें जो जो सर्टिफिकेट लग रहे हैं वो आपको यहाँ पर भर के देना होगा। तो हमारी वेबसाइट पर इस प्रकार की अपडेट पाने के लिए सभी वीडियो में जो बताई गई जॉब्स है, जो जिनकी जानकारी दी जाती है, उनके सभी नोटिफिकेशन आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।